जातीय खूनी संघर्ष, दो पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट देखने को मिला, छेड़खानी से जुड़ा बताया जा रहा है विवाद। एक पक्ष ने लड़की से छेड़छाड़ के आरोप लगाए, बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बवाल में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में हुआ है खूनी संघर्ष। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। बुलंदशहर में जातीय खूनी संघर्ष देखने को मिला। बुलंदशहर से खबर, दो पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट देखने को मिलती है, छेड़खानी से जुड़ा यह पूरा विवाद बताया जा रहा है। एक पक्ष ने लड़की से छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, खूनी संघर्ष देखने को मिला है, किस वजह से पूरा विवाद हुआ, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में जाते खूनी संघर्ष जिस तरह से हुआ, दो पक्षों में दलित समाज और ठाकुरों के बीच जिस तरह से जाती संघर्ष हुआ है, वहाँ बताया जा रहा है कि दलित समाज की लड़की को छेड़ने को लेकर ये जो विवाद हुआ है उसको लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ है। दलित समाज के लोगों ने जिस तरह से लड़की की छेड़छाड़ की घटना सामने अंजाम दिया जाता है उसको धर्म करते हैं, तो दूसरे पक्ष के लोग उन पर झूठ लगाते हैं और उसको दोनों ही पक्षों जैसे की वहाँ जैसे लोगों में पुलिस का कोई कॉपी नहीं है और उसी को देखते हुए वहाँ आधा घंटा जमकर ईंट और पथराव होते हैं और कई लोग उसमें घायल हो जाते हैं। अनिल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एसएसपी संतोष कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष जी, दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, किस वजह से ये पूरा खूनी संघर्ष हुआ? देखिए, खूनी संघर्ष नहीं है, दो पक्षों के संघर्ष है जिसमें दो महिलाओं को और एक पुरुष को सामान्य चोटें आई हैं और एक दो अलग अलग बात के लोग, लड़की जो है वो भाग गई थी उसको लेकर इनमें आपस में को लेकर के विवाद हुआ और उस विवाद में दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति बनी। पुलिस समय से मौके पर पहुंच गई, दोनों को अरेस्ट कर दिया, बधाई कार्रवाई शुरू की जाती है। संतोष जी, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है अभी भी? और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मीणा लगातार बने हुए हैं। अनिल, फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बुलंदशहर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई करी गई है। बुलंदशहर में जातीय खूनी संघर्ष देखने को मिला है, दो पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट देखने को मिलता है, स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है, छेड़खानी से जुड़ा बताया जा रहा है ये पूरा विवाद। एक पक्ष ने लड़की से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बुलंदशहर से ये दिखा रहे हैं आपको, जहां पर जातीय खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जमकर पथराव और मारपीट की गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, छेड़खाने से जुड़ा ये विवाद बताया जा रहा है। बुलंदशहर में जातीय खूनी संघर्ष देखने को मिलता है। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जातीय खूनी संघर्ष देखने को मिला। एक पक्ष ने लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, बवाल में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है।
और सीधा आपको ले